हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम विद मोली। आज मैं फिर से आपके साथ नई वीडियो के साथ आई हूँ गाइस। आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज मैं अगेन आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ गाइस। और ये जो रिव्यू शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, ये बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत होती है और बहुत मुश्किल होती है उनको। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, किस चीज़ पर आज हम वीडियो करेंगे। तो गाइस देखिए, आपकी स्किन पर भी डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, बहुत सारी दिक्कतें होंगी ना इस तरीके से। देखिए हमारे फेस पर क्या होता है, एक्ने पिंपल्स आ जाते हैं पर उनके निशान नहीं जाते, और बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें निकालना। महंगे से महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं फिर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, महंगे से महंगा फेशियल, बहुत कुछ करने के बाद भी हमें रिजल्ट ज़ीरो मिलता है। तो आज मैं आपके लिए उसी समस्या का समाधान ले आई कि आप कैसे इन्हें निकाल सकते हैं, क्या आपको यूज़ करना है। देखिए बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा कि क्या ये प्रोडक्ट है और यूज़ भी की होगी, पर यूज़ करने का जो सही तरीका है वो सबको नहीं पता। तो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। ये है हमारी एक क्रीम जिसका नाम आप क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे, इसका नाम है ट्रेटीन। इसकी जो क्वान्टिटी आई इसमें वो थी 0.02.5% इसकी क्वांटिटी, मतलब इस क्रीम में जो प्रोडक्ट इन्होंने रखा है मेन है ट्रेटिनोइन क्रीम। ट्रेटिनोइन क्रीम बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत लोगों ने यूज़ भी की होगी, पर तरीका वो सबको नहीं आता। मैं बताती हूँ आज आपको इसका यूज़ क्या कर, किस लिए हमें ये यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से हमारे फेस पर, मतलब पहला क्वेश्चन यही आएगा कि कौन इसे यूज़ करता है, किस लिए इसका यूज़ है। बहुत लोगों ने आपने देखा होगा डार्क स्पॉट हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है और सन टैन वगैरह हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डार्क हो गई है, बहुत ज़्यादा जिद्दी मार्क्स हो गए, निकल ही नहीं रहे हैं, जैसे कि इस तरीके से। अब आप देखिए, ये देखिए इस तरीके से आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन हो जाती है ना, इस तरीके से आपके फेस पर डार्क स्पॉट भी होते होंगे। तो अब इससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये क्रीम लेनी है ट्रेटिनोइन क्रीम। परसेंट आप देख सकते हैं इसकी, क्लियर आपको दिख रही होगी। और ये वाली क्रीम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगी गाइस, बहुत इजी है इस क्रीम को प्राप्त करना। और अब आप जानना चाहेंगे कि क्वांटिटी कितनी मिलेगी, प्राइस क्या होगा। तो मैंने भी इसे कुछ टाइम पहले परचेज किया और मैं यूज़ करा मैंने इसे, मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा निशान हो गए थे और मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसकी जो MRP है वो है 190, आप देख सकते हैं 190 रुपये इसका प्राइस है। आपको इसकी एक्सपायरी भी दिख रही होगी 04, ये देखिए पूरी एक्सपायरी आपको शो हो रही होगी 2025, ठीक है। और अब बात आती है इसकी क्वांटिटी कितनी है, 30 ग्राम आपको इसकी क्वांटिटी मिलेगी। अब मेन बात है कि आप इसे यूज़ कैसे करेंगे, कब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मॉर्निंग में इसे बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और मॉर्निंग में आप पूछेंगे क्यों यूज़ नहीं करना, देखिए मॉर्निंग में आप इसे यूज़ करेंगे, अगर आप सन के कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आपको फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मॉर्निंग टाइम में इसे ना लगाएं। नाइट में आपको इसे यूज़ करना है, पहले अच्छे से अपने फेस को क्लीन कीजिएगा। और अब देखिए, बहुत लोगों ने मैंने बोला इसे यूज़ किया होगा पर यूज़ करने का तरीका सबको नहीं आता, वो क्या है, लोग बागों को ना, मतलब मोस्टली पर्सन्स को ये चाहिए कि हमारी स्किन फेयर हो जाए, पर ज़रूरी नहीं होता गाइस हमारी स्किन फेयर हो, हमारी स्किन बेदाग हो, क्लियर हो एकदम, वो मेन होता है। अगर ये है तो आपकी ब्यूटी नेचुरल अच्छी लगेगी, ठीक है। तो अब आप करेंगे क्या कि आपको यूज़ कैसे करना है। अब आप ये वाली गलती मत कीजिएगा कि ली क्रीम और पूरे फेस पर रब कर दी, क्योंकि इसमें क्या होता है गाइस, और बिल्कुल भी देखिए डरिएगा मत, थोड़ा सा ना स्किन को ड्राई करता है और जहाँ इफेक्टेड एरिया हो वहाँ आप लगाइए। जैसे अब मेरे को यहाँ एक निशान है तो मैं इसको बस यहाँ लगाऊंगी, पूरे फेस पर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे तो ये वाला निशान निकालना है, पूरा फेस तो मुझे निशान नहीं है ना, तो मैं इसको इफेक्टेड एरिया पर लगाऊंगी। यहाँ लगाएंगे और ईजिली आप इसको नाइट में लगा के इसको वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे इस तरीके से लगाना है और इस तरीके से छोड़ देना है, फिर आप मॉर्निंग में अपना फेस वॉश कीजिए। आप जो भी मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन यूज़ करते हैं
सीरम वगैरह वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस जैसा मैंने आपको बताया, हल्की सी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, अगर स्किन ड्राई हो तो अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर लेकर आप यूज कीजिएगा, और धीरे धीरे आप बहुत जल्दी, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको थोड़े बहुत डार्क स्पॉट है तो आप इजीली 5 से 7 दिन में इसे निकाल लेंगे, अगर ज़्यादा है तो आपको 1 वीक भी लग सकता है या 2 वीक भी लग सकते हैं, पर रिजल्ट आपको 100% मिलेगा गाइस। तो प्लीज़ एक बार आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इसका रिजल्ट बहुत औसम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्किन बिल्कुल मेरी तरह क्लीन हो जाए, जैसा आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ज़्यादा पहले से क्लीन है, और अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपने तो मेकअप लगाया हुआ है गाइस, तो मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया, ठीक है। नॉर्मली मैं मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन वगैरह लगाया होता है मैंने, और लिपस्टिक है, काजल है, इसके अलावा मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया, ठीक है। तो आप भी इसको यूज़ कीजिए ट्रेटिनॉइन, और देखिए गाइस यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया कैसे करना है इफेक्टेड एरिया पे। तो मैं आपको ये बात क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मेरे मेरे चैनल पर जो भी आए उनका कोई लॉस हो जाए या उनको स्किन में कोई और दिक्कत हो जाए, मैं उनको चाहती हूँ मेरी वीडियो के थ्रू उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी स्किन मिले, बेनिफिट मिले, तो डेफिनेटली आप इसको इसी तरीके से यूज़ कीजिएगा, खाली ओनली इफेक्टेड एरिया पे लगाइएगा। और मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ जिनकी स्किन पर डार्क स्पॉट है या पिगमेंटेशन है, सन टैन है, उनके लिए वो यूज़ करेंगे, और अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल्स हैं तो आप उसे यूज़ मत कीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि एक्ने पिंपल्स वाले लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे, पहले आपको अपने एक्ने पिंपल्स को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स और उस पर भी आप चाहते हैं कि कोई मैं ऐसी दवाई आपको सजेस्ट करूँ, तो उस पर मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो पक्का मैं उसी पर करूँगी कि आपके एक्ने पिंपल्स कैसे जाएंगे, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उसे आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो उस पर होगी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये उन्हीं को यूज़ करने है जिनकी स्किन पर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट वगैरह, वो इसे डेफिनेटली यूज़ कीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो गया गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो जरा सी भी आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके, और कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ पर बनाऊं कि आपके लिए वो बेनिफिट मिले आपको पूरा, और फटाफट से मुझे कमेंट कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के नीचे ही आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसके साथ एक बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा गाइस, नहीं तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की वीडियो फटाफट से आपके पास आती रहे तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इसी के साथ हमारी वीडियो कम्प्लीट हो गई है, थैंक यू।